ठीक है, और कैसा है बताओ। हाल आपका? फेस का क्या हाल है? अच्छा है? अच्छा अभी तो जी काफी फर्क है, देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 10 डेज हो गया? ना। 10 डेज? कैसे? कितना कितना टाइम हो गया? 10-12 डेज हो गया ना? 12 डेज हो गए मेरी। हाँ, मेरा अंदाजा सही है। मुझे डेट याद नहीं रहता है, मैं अंदाजा ही लगा लेती हूँ। 8 दिन हो गए मेरे घर से। हाँ, नॉट बैड यार, 12 दिन में बहुत अच्छा फर्क है, बहुत अच्छा नतीजा। 8 दिन में पक्का कम है, और क्या चाहिए। ऐसे तो आप कह रहे हो ना, बहुत सारे लोग को उनको तो तसल्ली नहीं होती, उनको तो बिल्कुल 4-5 दिन में बिल्कुल फुलेलेस बिल्कुल बन जाना है। जो पेशेंस चाहिए हर काम को, ये इतने टाइम का अभी एकदम से थोड़ी ना चला जाएगा, ये जादू तो है नहीं है कोई, कैसे चला जाए ना। हाँ ये हुई ना बात है, ऐसे सब लोग सोचे तो फिर तो क्या बात है ना। टाइम लगता है, मैं दीदी हर चीज को टाइम लगता है। देखिए हाँ कितनी, अभी 8 महीने हो गए ये सब हुआ था, तो इतना कुछ किया तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी 10-12 दिन में कितना फर्क पड़ गया। अभी ये भी पेशेंस होने चाहिए, अभी ये भी चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप अंदाज़ा लगाओ कि 12 दिन में जब इतना फर्क पड़ा है तो 3 महीने में कितना फर्क पड़ेगा, सोच के हाँ देखो। वही तो सही है। क्यों मुझे मुझे ना चश्मा लगा के देखना आपका पड़ेगा। मेरे मम्मा पता क्या कहते कहते, दीदी आपका मिले कहाँ से, आपने कहा ढूंढ लिया। मैंने कहा बस नहीं इतना करते हैं ना, मेरे को बड़ी टेंशन होगी। मैं देखू क्या करूँ क्या करूँ ना, होता है ना कुछ ना कुछ ढूंढो, एकदम से आपकी वीडियो सामने आ गई। वो मैंने ना कहा ये अब देखो क्या है। हाँ तो एकदम से ही आती है ना। फिर मैंने देखा, हाँ फिर मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बड़े ध्यान से तीन चार वीडियो देखी आपकी ना सभी। फिर मैंने आपको फॉलो किया, फिर मैंने इंस्टाग्राम बनाया। मैं इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ ना, तो फिर मैंने कहा चलो आईडी तो बनानी पड़ेगी। फिर मैंने आईडी बनाई, फिर मैं आपको मैसेज किया। मैंने कहा यार मैसेज तो कर दिया है, पता नहीं रिप्लाई आता कि नहीं आता, ये लोग रिप्लाई नहीं करते। तो फिर 2 दिन बाद ना वो मैंने मैसेज करके छोड़ दिया। 2 दिन बाद आपका एकदम से मैसेज आया था, मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा वाह, मैंने कहा चल मैं बात करती हूँ। फिर मैं अपने कॉल उठाई, मेरी बात कही आपसे, तो आज यहाँ पे पहुंची हूँ। बहुत क्यों खुश हो ना, खुश हो ना। सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आप मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आप लोग को। आपने इतना ट्रस्ट दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है, और आप लोग की हिम्मत और ट्रस्ट की वजह से मतलब मेरा जो एम है कि मैं पिगमेंटेशन फ्री करूं, 100 में से 1 को भी मैं खुश कर पाई तो वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ना। ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही है है, ना, सही तो है। हाँ बस यही है, और क्या शुक्रिया अदा करना, फैमिली तो है हम लोग, ऐसे ही थोड़ी ना हम फैमिली देखा, बोले। एंजल बन के आए हो। एंजल नहीं होते, एंजल हो। मैं तो यही समझती हूँ। अभी मुझे ना हमें थैंक यू, इतनी प्यारी प्यारी चीज इसी कमेंट मुझे मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मुझे भी मिलता है और काम करने जब मैंने आपकी वीडियो देखी ना, तो मैंने आपका फेस देखा फर्स्ट टाइम, जब आपने बोला मैं अभी ऐसे मेरा फेस बहुत खराब हो गया था, तो वहां से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला। तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो ये अगर इतना है तो इतना फर्क तो किसी को भी नहीं हो सकता। अगर कुछ है तो तभी आपने वीडियो डाली है ना, कुछ हाँ बात है मैं क्या। फिर मैंने बोला नहीं अभी इनका काम ही छोड़ना, अभी इनके यही वाला काम करती मैं तो फिर इसीलिए मैंने इसीलिए आपसे जुड़ गई मैं तब से। तो मैंने आपको ज्वाइन किया, तो आज ये रिजल्ट आपके सामने, देखें बहुत फर्क माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। और आपको हैप्पी जी लोहड़ी भी मैं बोलना भूल गई थी, तो लोहड़ी के बाद है ना मुझे याद आया, तो फिर मैंने कहा अब तो चला गया, तो मैं मिल के ना जब मैं बात करूंगी आपसे तब आपको हैप्पी लोहड़ी बोलूंगी आपको। सेम टू यू। है ना, मालूम है मुझे, मैं भी पंजाबियों के बीच में ही पली बड़ी हूँ,
तो मुझे सारे त्योहार वगैरह तो इम्पोर्टेंट माना जाता ना ये लोहड़ी का त्यौहार, तो हाँ नया साल ये बड़ी धूम। बहुत मैंने बचपन में बहुत मनाए हैं, और मेरी पंजाबियों के बीच में ही मेरी परवरिश भी हुई, और अभी भी मेरी फैमिली रहती है जो वो वही रहती है, सिर्फ पंजाबी और सिंधी है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग ही हैं, तो मेरी फ्रेंड वगैरह भी सब वही है, पंजाबी वगैरह ज़्यादातर, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी उंजाबी पहले ज़्यादा बोलती थी, लेकिन अब काफ़ी कट ऑफ हो गया ना काफ़ी शादी के बाद। हाँ, जैसे डेली डेली बोलते रहो ना, भी प्रैक्टिस हो जाती है ना हाँ तो अब नहीं होता, हमारी। अब तो ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, तो बच्चों में काम में बिजी रहती हूँ। ठीक है, अभी आप दुबई जा कोई बात अभी आप दुबई जाओगे तो नहीं, कोई पहचानेगा नहीं आपको, बताओ। हम हाँ वही तो। अभी ना मेरी फ्रेंड है एक, आपने मैंने मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मेरी फ्रेंड है एक, वो मेरे को वीडियो कॉल करती, कहती यार तू तो वीडियो कॉल क्यों काट देती है। मैंने कहा अभी तो यही तो तेरे को कोई सरप्राइज है, तेरे को अभी मैं तेरे सामने नहीं आऊंगी। कहती अच्छा क्या ऐसी क्या बात। मैंने कहा वो सरप्राइज है तेरे लिए, तो हाँ उसकी मैं वीडियो कॉल दूसरी सिंपल कॉल उठाती हूँ, दूसरी वीडियो कॉल नहीं उठाती। मैंने कहा एकदम से जब उसके सामने जाऊंगी ना तब फिर पता चलेगा उसको। हाँ और जैसे जैसे ये साफ हो रहा है ना, तो जो डार्क वाला था ना आपका, जो डार्क स्किन था ना, वो एकदम उभर के बाहर दिख रहा है, जैसे ये सब साफ हाँ हो रहा वो है बाहर ना। दिखता है, हाँ हाँ यहाँ साफ, और आपको भी नोटिस किया होगा ना, हाँ अभी बस यहाँ पे थोड़ा रह गया, यहाँ पे ये देखिए, तो हाँ अभी धीरे धीरे जाएगा एकदम से। अभी मैं बोलूँ भी जादू है ये, वो नहीं हो सकता ना भी थोड़ा, कोई बात किसी भी नहीं। चीज में अभी तो एक बहुत पैसा किया मैम, बीच में तो मेरा ऐसे हो गया था जैसे ना मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब कि मेरे को खुद को डर लगता था अपने फेस देख के कि ये क्या हो गया मेरे को। तभी मेरे को पूछा तेरे को क्या हो गया, क्या हो गया तेरे फेस से, तो मैं बाहर निकलना बंद हो गई तब से। अभी मतलब 10-15 दिन पहले की बात है, ये सब मेरा फेस इतना ब्लैक हो गया था ना एकदम से, पता नहीं क्या हो गया था। यही तो, और तो जो अभी जब मेरे को कितने लोगों ने देखा ना, तो मेरे को बोल रही यार अभी आज तो बड़ा चमक रहा है चेहरा। मैंने माशाल्लाह कहा बोलो, हाँ टचगुड बोलो, माशाल्लाह बोलो जरूर से। बहुत माशाल्लाह मैंने बोला है उसको, तो तो मैंने उसको भी ये नहीं बताया कुछ भी। मैंने कहा बाद में जब मेरा पूरा रिजल्ट आएगा ना, तब आपको उसका सीक्रेट मैं बताऊंगी। जिन जिन लोगों को है उनको हमें मदद करनी है ना, हेल्प करनी है, जो हाँ उनको हाँ बहुत बात जरूरी है, बहुत करते जरूरी ना, है, ठीक है ना। किसी के को भी मदद करना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल, हम उनको भी चीजों से बाहर लाएंगे कि हाँ भी आप लोग भी हाँ ऐसे हो हाँ सकते हो, वैसे आपका ठीक हो सकता हाँ है, वो मत छोड़ो। हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा फोन में आपका, थोड़ा सा मूव करें। हाँ अब आ गया। बड़ी बात आप ये लगती है कि आप ना मतलब कि पूछते रहते हैं हम लोगों को भी, हाँ आप ठीक हो, कैसे है, क्या हाल है। ये नहीं है कि अभी वीडियो बनाया था छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता ना। तो आप मतलब हाँ हमारी बहुत केयर कर रहे हैं, तो उस हाँ बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ मेरा क्योंकि वो क्या है ना कि आप कुछ नया चीज़ खा रहे हो या यूज़ कर रहे हो या पहन रहे हो, है ना, तो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से, हम सबका फेस अलग है ना, स्किन भी अलग टाइप है, तो वो अलग अलग तरीके से ना रिएक्ट करता है, किसी को इचिंग होती है, किसी को जलन होती है, ठीक है, और किसी को रेड होती है, किसी को रेड नहीं होती है, तो हर फेस पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो मैं इसीलिए स्किन हाँ फोकस रखती हूँ कि वो जब नया बंदा है तो वो तो घबरा ही जाएगा ना कि क्या हो रहा है, अरे क्या हो गया। मैंने कल में भी थोड़ा सा ईचिंग हो रहा था, पर मेरे को बर्दाश्त हो रहा था। मैंने कहा नहीं मैं कुछ इतना तो मतलब बर्दाश्त हो ही जाएगा ना, तो फिर मैंने बाद में देखा, मैंने कहा ये ना उनकी रेडनेस हो जाए, बट रेडनेस वगैरह तो कुछ नहीं हुआ था, ठीक ठीक हाँ था फिर। किसी पर किसी हाँ था ना, क्योंकि अभी स्किन पील भी हो रही है ना, इसीलिए मे भी जब ज्यादा होगा ना, जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इचिंग हो रहा है, इरिटेट भी होता है ना इंसान, तो उस वक्त बंद कर देना, 2-3 दिन के लिए ना बंद कर देना, कोई मसला नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 2-3 दिन में, वो इसलिए कि आपका नॉर्मल हो जाए थोड़ा सा, जो ड्राइनेस आ गया है फेस के ऊपर, और पूरा दिन है ना मॉइस्चराइजर जो क्रीम है विनुसिया, वो आप लगाना स्टार्ट करो, पूरा दिन लगाते रहो लगाते रहो जी लगाते रहो, 2-3 दिन तक, जब तक वो बंद करोगे ना तब तक आप इसे ना थोप के रखो, बिल्कुल फेस को बिल्कुल खाली हाँ नहीं ऐसे ही छोड़ना। है। हाँ
चौबीस घंटे अभी जब ये फिनिश हो जाता है ना, मेरी क्रीम्स वगैरह मेरी फिनिश मेडिसिन फिनिश हो जाती है, उसके बाद मैं बस मॉइस्चराइजर लगा लगते हैं घंटे घंटे बाद ना, कि मॉइस्चराइजर रहे, फेस भी ड्राइनेस ना आए, फिर उससे क्या होता है पेन भी नहीं होता ना, फेस से खिंचावट नहीं आती।